अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए। दोस्तों, मिर्च मसाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और चूंकि सावन का महीना ख़त्म हो गया है तो आज हम आपके लिए एक चिकन का डिश लेकर आए हैं जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको चिकन रोल्स पसंद है तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे हम एक चटनी के साथ परोसेंगे। तो आइए अब हम बताना शुरू करते हैं चिकन पेशावरी रोल कैसे बनाई जाती है। चिकन पेशावरी रोल बनाने के लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन। इसमें हमें बोनलेस चिकन ही लगेगा। मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। साथ में हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च, आप स्वाद अनुसार यूज़ कीजिए। इसके साथ हमने लिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हमने लिया है 1 छोटी कटोरी दही। हमने लिया है काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। इसके साथ हमने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। मैंने जीरा को ड्राई रोस्ट करके उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, ये हमने 1 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच हमने लिया है गरम मसाला। इसके साथ हमने लिया है 1 नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। तो आइए अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है और एक बड़े बाउल में डाल दिया। बड़े बाउल में डालने के बाद हम सारे मैरिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, जैसे कि डाला हमने लाल मिर्च। लाल मिर्च के साथ ही हमने इसमें डाल दिया है काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, नींबू का रस। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और सारे मैरिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे करीब 1/2 घंटे के लिए। रेफ्रिजरेटर में हमने 1/2 घंटे के लिए रख दिया है। हमारा 1/2 घंटा हो चुका है। हमने एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम किए हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। तेल अब हमारा गरम हो चुका है और जब हमारा तेल गरम हो जाए तो हमने उसमें डाल दिया है मैरिनेटेड चिकन। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला देते हैं। और हमें इसे ढक ढक कर पकाना है। हम इसे ढक ढक कर और बीच बीच में चलाते हुए हमें पकाना है। हमें करीब 25 से 30 मिनट लगेंगे और हमारा चिकन पक जाएगा। हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए, करीब 1/2 घंटे बाद हमारा चिकन एकदम अच्छे से पक चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है। हम बीच में एक जगह बना देंगे और इसमें हम बीच में एक रख देंगे सिल्वर फॉइल। साइड में हमने चारकोल को गर्म होने दिया है। ये चारकोल से हम स्मोकी इफेक्ट देंगे अपने चिकन को। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको चिकन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, स्मोक का फ्लेवर आएगा जो हमें जनरली रेस्टोरेंट्स में मिलता है। हमने चारकोल के ऊपर घी डाल दिया और इसे ढक दिया। ढक कर हम करीब इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि चिकन जब हमारा तैयार है उसे हमने साइड कर दिया है। तो अब हम बनाएंगे डो। डो हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम मैदे का बनाएं या आटे का बनाएं। मैदे से स्वाद ज़रूर बहुत अच्छा आता है, पर मैंने इसको यहाँ पे आटा यूज़ किया है, वो थोड़ा हेल्दी वर्जन होता है। आप चाहें तो मैदा यूज़ करें, बाकी सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके सेम रहेंगे। तो आइए हम बताते हैं इसमें और क्या क्या लगेगा। पहले हम इसमें डालेंगे आटे में तेल। मैंने दिया है 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर ऑयल या फिर आप कह लीजिए रिफाइंड ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि हम डालेंगे स्वाद अनुसार। तो ये मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। 2 कप आटे में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। साथ में हमने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच दही और हम इसके साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। तो ये हमने चीनी डाल दिया 1 छोटी चम्मच। और इन सब को डालकर हम गुनगुने पानी से, ध्यान रखिए गुनगुने पानी से एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो ये देखिए, हम इसको एक सॉफ्ट डो बना रहे हैं।
तो हमारा डो भी अब रेडी है, इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस रोल के लिए हमें लगेगी एक स्पेशल चटनी। ये स्पेशल चटनी बनाने का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से नोट कीजिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही, और इस 1 कप दही में मैंने डाला है 1/2 कप मेयोनीज। मेयोनीज आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, आपके घर में भी बहुत बार अवेलेबल होता है। तो इस स्पेशल चटनी में हमने पहले लिया 1 कप दही, 1/2 कप मेयोनीज, इसमें डाला मैंने 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 स्पून लाल मिर्च, या कहिए स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। और इसके डालने के बाद हमें इसमें डालना है क्रश्ड लहसुन का पेस्ट, या आप चाहें तो लहसुन पाउडर अगर आपके पास है तो आप लहसुन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को छीलकर उसे अच्छे से क्रश कर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच क्रश्ड लहसुन, और ये डालने के बाद हमने इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार, और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी स्पेशल चटनी जो हमारे रोल को एक स्पेशल सा टेस्ट ऐड करेगी, अब एकदम रेडी है, तैयार है। तो आइए अब हम पराठे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हम पहले एक सूखा आटा नीचे डाल देंगे, और हम एक आटे की लोई लेंगे। ये देखिए आटे की लोई का साइज़ आप देख लीजिए, इसे हम अच्छे से गोल कर लेंगे। और गोल करने के बाद हम एक बार इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद हम इसे बेलेंगे और बेलकर इसे गोल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये अब गोल हो चुका है। अब जब ये हमारा गोल हो चुका है तो हम इसमें सनफ्लावर ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, और उसे अच्छे से पूरी रोटी में या पूरे पराठे में स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, देखिए हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और इसके ऊपर हम थोड़े से और सूखे आटे को स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। ये देखिए जब ये हो गया है तो अब हम एक स्लिट लगाएंगे, और स्लिट लगाने के बाद अब हम इसे टर्न कर करके इसको एक शेप देंगे। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, लोग घरों में ऐसे ही लेयर्ड पराठे बनाते हैं, या आप आसानी से बना लीजिएगा, दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा हो शायद, पर ये बहुत ही आसान है। और इसे हम ऐसे रोल करेंगे, और इसे खींच खींच कर हल्का दबा दबा कर लंबा करेंगे, और ये देखिए इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लेयर्ड पराठा बनाने का, आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। आपने प्रोसेस देख लिया ये कैसे होगा, और ये देखिए हमारा ये अब रेडी है। अब इसे हम फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे, और लपेटने के बाद हम इसे बेलेंगे। तो ये देखिए हम इसे बेल रहे हैं, ये अब बेला चुका है, हमारा पराठा अब रेडी है। और अब हम इसे एक गरम तवे पे डाल देंगे। तो हमने इसे गरम तवे पे सेकने के लिए डाल दिया है। जब एक तरफ से सिक जाए तो हम इसको फ्लिप करके इसके साइड को चेंज कर देंगे, और इसे दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। हम इसके ऊपर घी, बटर या रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं, लगा देंगे। और हम इसी तरह दूसरे साइड में भी लगा देंगे। ये आटे का है तो थोड़ा हेल्दी वर्जन है, तो ये आप इसे घर में चाहे तो रेगुलर बेसिस पे भी बना सकते हैं। मैदे वाले में थोड़ा टेस्टी तो होता है वो, बट वो उतना हेल्दी नहीं होता। तो ये देखिए पराठे अब हमारे दोनों तरफ से सिक चुके हैं अच्छे से, ये बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप इसमें चिकन जब भर के रोल कीजिएगा तो वो टूट जाएंगे। तो ये हमारा पराठा अब हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं हम लोगों ने। तो आइए अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब हम इस स्टफिंग के लिए हम पराठे में सबसे पहले जो हमने स्पेशल चटनी बनाई है वो लगाएंगे, जो हमने बनाई थी मेयोनीज़। ये देखिए हमारी मेयो और दही की स्पेशल चटनी, बहुत ही टेस्टी स्वाद देता है अपने आपके रोल को।
तो हमने अच्छे से चटनी को स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर। इसे अप्लाई करने के बाद, चटनी को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, चिकन के पीसेस जो हमने, तो हमने इसमें चिकन पीसेस को अच्छे से सजा दिया है। हमने इसमें कुछ चिकन के पीसेस डाल दिए और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनियन, और हम इसके ऊपर अनियन रिंग्स डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं, बाकी हमें और कोई भी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से खाएंगे। और अब हम इसे रोल करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोल हो गया। तो ये देखिए दोस्तों हमारा, और हमारा रोल तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक जरूर कीजिए, अपना कमेंट हमें शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही टेस्टी टेस्टी डिशेस ला सकें। इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।